आएंगे मोदी ये 400 के पार आए। आखिर मोदी के लिए इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सनातन धर्म के लिए मोदी और योगी का होना बहुत जरूरी है, और मोदी ने हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए तो हमारे अगर गर्दन भी कटे तो मोदी के लिए वो भी देने को तैयार है हम लोग। आप किसी भी चीज को ले लो कि चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, इसीलिए उनका नारा भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। 400 पार का आंकड़ा चल रहा है, क्या क्या लगता है होगा? मुझे तो लग रहा 400 से भी ऊपर उतने पूरा पार होगा, लेकिन कांग्रेस का ही है ही नहीं। पहली बात, कांग्रेस का ही है ही नहीं। आप इस चीज को जितने जल्दी मान ले तो उतना ही अच्छा होगा। विकसित भारत है हमारा भारत, और हमारा भारत को मोदी जी बहुत आगे ले जा रहे हैं विदेशों में। हमारे भारत की जो साख है वो हमारे मोदी जी के कारण हुई है। बिल्कुल, उससे ज्यादा का मैम, उससे ज्यादा का। कांग्रेस और बीजेपी के राज में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ जी, कांग्रेस के राज में तो खैर कुछ हुआ ही नहीं, बीजेपी के राज में बहुत कुछ हो रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है यहाँ पे, तो क्या लगता है? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ करा ही नहीं। कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी, ना खाने को मिला, ना लेडीजों की सुरक्षा मिली। कांग्रेस सब कुछ मोदी ने दिया। मोदी ने क्या नाम गैस दी, उजला गैस दी। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी क्यों चाहिए? कांग्रेस कैसे चाहे जो आलू की फैक्ट्री लगाएंगे, जो आलू की फैक्ट्री लगाएंगे, जिसको हम अपना गार्जियन मान ही नहीं सकते, कैसे हम उनको प्रधानमंत्री? चेहरा चाहिए, दमदार चाहिए, देश को चलाने वाला चाहिए। जैसे परिवार में समझदार गार्जियन चाहिए, स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए, देश गांव में प्रधान चाहिए, इसी तरह राष्ट्र में हमारा प्रधानमंत्री चाहिए, और दबंग चाहिए, शेर चाहिए हमें, आलू की फैक्ट्री नहीं। भैया आप ही बताइए ना, जब उनके पास कुछ चारा नहीं बचता तो फिर तो उनके पास यही बहाना बचता है ना कि ईवीएम हैक हो गया है। ये आप देख लीजिए जनसैलाब कैसे उमड़ा हुआ है, तो ये ईवीएम हैक होगा या फिर मतलब सब कुछ ही उन्होंने बंद कर दिया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं ऋषिकेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को जो है संबोधित कर रही हैं, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज्यादा जो है भीड़ है, वो लगातार जो है उस मैदान की तरफ जा रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज जनता को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि आज एक साथ प्रधानमंत्री राज्य की 3 लोकसभा सीटों के मतदाताओं को साधने का काम जो है करेंगे। इसीलिए लगातार जो है लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे इतनी ज्यादा गर्मी है, तपती धूप है, लेकिन इसके बावजूद हर वर्ग से, हर अगर आप कहेंगे कि एज ग्रुप से लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जा रहे हैं, उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी आम जनता में काफी ज्यादा क्रेज है। ऐसे में कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका 24 के चुनाव को लेकर। क्या एक बार फिर से मोदी जी 400 पार के आंकड़े के साथ वापसी करेगी, या फिर विपक्ष में कोई चेहरा उन्हें लगता है जो कि उन्हें टक्कर दे सकता है? तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। जय मातरम, वंदे मातरम, मेरे नाम मुकेश राठौर। तो इतनी धूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो है आप सम्मिलित होने के लिए आई हैं, आखिर मोदी के लिए इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सनातन धर्म के लिए मोदी और योगी का होना बहुत जरूरी है, और मोदी ने हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए तो हमारे अगर गर्दन भी कटे तो मोदी के लिए वो भी देने को तैयार है हम लोग। अच्छा, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, हाँ। तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ काम जो है उन्होंने भी किया? पुष्कर धामी ने तो बहुत ही युवा मुख्यमंत्री है, और जैसे योगी मोदी अपने उस पे चल रहे वैसे ही उनको फॉलो करते हुए वो भी अपने उत्तराखंड के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत ही यशस्वी भी, और उन्होंने सबसे पहले भी हमारे यहाँ पे 1 कोड 1 उसका भी लागू किया है, यूसीसी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली हो रही है, इस रैली का कितना फायदा जो है चुनाव में उन्हें मिलेगा? देखिए, वैसे तो ऐसे नहीं है कि उनको इसी चुनाव में फायदा मिलेगा, वो तो पूरे देश में लहर ही मोदी की है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आप किसी भी चीज को ले लो कि चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, इसीलिए उनका नारा भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहा है, क्या क्या लगता है होगा? मुझे तो लग रहा है 400 से भी ऊपर उतने पूरा पार होएगा। अच्छा, पार ही पार
सरकार है, कोई उसके वार है ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस की भी सरकार रही है यहाँ पर। हाँ जी, अभी हरीश रावत जो है उन्होंने अपने पुत्र को जो है इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, तो एक तरफ बीजेपी है, तो कितना डिफरेंस है कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में? देखिए, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ कटाक्ष, लेकिन कांग्रेस का ही है ही नहीं। पहली बात, कांग्रेस का ही है ही नहीं। आप इस चीज को जितने जल्दी मान ले तो उतना ही अच्छा होगा। आपका नाम? मेरा नाम शांता सुयाल है। तो क्या लगता है मोदी जी 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं? मोदी जी इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी उतने ही फेमस हो चुके हैं, और मोदी जी 400 पार जाएंगे, और हमारे भारत में सनातन धर्म आएगा, और हमारा भारत 47 के लिए तैयार हो रहा है। विकसित भारत है हमारा भारत, और हमारा भारत को मोदी जी बहुत आगे ले जा रहे हैं। विदेशों में हमारे भारत की जो साख है वो हमारे मोदी जी के कारण हुई है। मोदी जी को हर जगह, मतलब भारत से भी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और भारत में हमारे मोदी जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपने देश के विषय में सोचने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, और हर जगह अपने देश का नाम रोशन करने वाले ने। पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या कहेंगे? पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, युवा उन्हें सब पसंद करते हैं, और हमारा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड उन्होंने हमारे उत्तराखंड को उन्होंने मतलब बिल्कुल धरातल से देखा है, तो वो यहाँ के उनको जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार है? महिला की स्थिति में तो बहुत सुधार हुआ है। आप बिल्कुल निडर होके, निष्पक्ष होके आप कहीं भी जा सकते हैं, और हमारे उत्तराखंड में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। विदेशों में हमारी यहाँ की उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में ये लोग अपना परचम लहरा रही हैं, उत्तराखंड की बालिकाएं, महिलाएं, और हमारा उत्तराखंड जो है बहुत आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड की जय, देवभूमि की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का टारगेट लेके चल रहे, क्या लगता है? बिल्कुल, उससे ज्यादा का मैम, उससे ज्यादा का। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के राज में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ जी, कांग्रेस के राज में तो खैर कुछ हुआ ही नहीं, बीजेपी के राज में बहुत कुछ हो रहा है। हाँ जी, आप पुष्कर सिंह 400 से ऊपर, 400 पुष्कर सिंह धामी के लिए क्या कहेंगे? बस बहुत अच्छे है वो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, मुमकिन है, मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, ए मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, के बागवाज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, हरिद्वार के बागवाज जाग जाएंगे, ए मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, ए मोदी आएंगे, 400 के पार आएंगे, के पार आए मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, हम बहनों के भाग जाग जाएंगे, मोदी आएंगे, हम लेड़ जो के भाग जाग जाएंगे, मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी जी को क्यों चाहती है कि मोदी जी की वापसी हो? भैया, मोदी जी ने हमारी बहुत सुरक्षा की, चाहे जिस टाइम निकल गए, आज कोई बंदा आंख उठा कर नहीं देख सकता, आंख उठाए तो कह दे मोदी ने फोड़ दो, जो भी अगर जो कोई बिन मतलब के छेड़ेगा, तो इसलिए हम मोदी जी को चाहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है यहाँ पे, तो क्या लगता है? कोई कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ करा ही नहीं कभी, कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी, ना खाने को मिला, ना लेडीजों की सुरक्षा मिली, कांग्रेस राज है, और सब कुछ मोदी ने दिया। मोदी ने क्या नाम, गैस दी, उज्ज्वला गैस दी, मकान दिए, लेडीजों को बाथरूम की सुविधा दी, सारा दिया, आवास योजना दिया, और मोदी जी ने देखो गैस की भी वो सुविधा दी, कि देखो लोग जैसे चूल्हा फूंकते थे, अब चूल्हा फूंकने की जरूरत नहीं है, ना हमें शौचालय, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, शौचालय भी हमें घर मिल रहा है, और मकान भी दिया, हर चीज के लिए हमें अब सुविधा मिल ही रही है। हाँ, हर चीज से लड़ रहे हैं हम मोदी से, हमने मोदी जी दे दिए, बड़ा भाई है मोदी हमारा, और हम बहनों का भाई है वो, हम मोदी जी को ही देंगे, और हम कभी कांग्रेस को लाएंगे ही नहीं। क्यों चाहती है मोदी जी वापस? हाँ जी, हम भी चाहते हैं मोदी को।
क्यों चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए? माफी, हम चाहते हैं मोदी जी है, मैं मोदी जी आते रहे हैं बार बार, मोदी हमें ही चाहिए, हमें हर बार मोदी चाहिए, मोदी 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 मोदी। हमारे लिए मोदी जी ने श्री राम जी का मंदिर बना दिया, हमारे लिए वही बहुत है। और हम चाहते हैं हमारी 370 भी हटाई, इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी आए हमारे लिए। और हमारे लिए कड़ी धूप में आई है, क्या कारण है? इसका मेन कारण है कि सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पे जो विश्वास है, एक पिता तुल्य, एक जो गार्जियन सिपता, एक सेफ्टी जो हमारे देश को मिल रही है, हमारी पीढ़ियों को मिल रही है, दूरदर्शी सोच रखने वाले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और वही रहेंगे। और हमारा जी कतरा कतरा भी अगर इतना काम आ सकता है तो हम आदरणीय मोदी जी को आगे रखने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। और उनके नेतृत्व में हमारा देश फलीभूत है, देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड हमारा फलीभूत हो रहा है। अच्छा, जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, राज्य में किस तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं? पुष्कर धामी जी भी बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, बट अभी पिछली बार जब एक दो बार सीएम हमारे चेंज हो गए थे, लेकिन जब से उन्होंने कमान संभाली है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी क्यों चाहिए? अरे कांग्रेस कैसे चाहे, जो आलू की फैक्ट्री लगाएंगे जिसको हम अपना गार्जियन मान ही नहीं सकते, कैसे हम उनको प्रधानमंत्री? चेहरा चाहिए, दमदार चाहिए, देश को चलाने वाला चाहिए, जैसे परिवार में समझदार गार्जियन चाहिए, स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए, देश गांव में प्रधान चाहिए, इसी तरह राष्ट्र में हमारा प्रधानमंत्री चाहिए। और दबंग चाहिए, शेर चाहिए हमें, आलू की फैक्ट्री नहीं। अच्छा, तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था जिसका आप जिक्र करिए, तो राहुल गांधी मतलब क्यों? राहुल गांधी इसलिए नहीं कि उनको राजनीति का बिल्कुल भी समाज के लिए नॉलेज नहीं है, वो दूसरे के कहने पे, दूसरे के कंधे पे जो बंदूक रख के चलाते हैं, तो कब तक आखिर खैर बकरी अपना खैर मनाएगी? तो मूल कारण यही है। तो इसलिए मैं सबको चेतना देती हूँ कि अगर अपनी पीढ़ी वंशज को बचाना चाहते हो, अपने देश को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले राष्ट्रहित और मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, और सीएम योगी दूसरे नंबर पे योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और मोदी की वापसी चाहती है कोई विपक्ष में? हम तो हमेशा मोदी जी को चाहते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी, हाँ मोदी जी जैसे हो। तो मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी हमारे, हमको हर चीज में आगे लेके चल रहे हैं, है ना। मोदी जी ने हमारे लिए सब कुछ किया है, जो कि हमको उम्मीद भी नहीं थी, वो भी हमको सब कुछ मोदी जी से मिला है। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? कांग्रेस से हमने कभी उम्मीद नहीं कभी मिली और न कभी मिल सकती है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नितिन सैनी, नितिन सैनी। मोदी जी की वापसी चाहती है? हाँ जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है उसके लिए भी, और एक सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भर खुद तो बनी रही हैं, अपने परिवार को भी वो सक्षम कर रही हैं। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए और बीजेपी ही क्यों? कांग्रेस के राज में हमने पहले देखा है ना, तो कितना राज हुआ है, कितनी महिलाएं सशक्त थी, कितना उन लोगों का मतलब जो भी रहा, महिलाओं के प्रति भी मान सम्मान नहीं था, और आज के टाइम पर महिलाओं का कितना सम्मान बढ़ा है। मोदी के जरिए सारा मान सम्मान मिला हुआ है, आज मोदी के जरिए सब कुछ, महिलाओं को हर चीज से सुरक्षा मिली है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात बताइए, ईवीएम हैक होने की जो बात कही जाती है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, पहले ईवीएम हैक कर लिया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, आप ही बताइए ना, जब उनके पास कुछ चारा नहीं बचता तो फिर तो उनके पास यही बहाना बचता है ना कि ईवीएम हैक हो गया है। ये आप देख लीजिए जनसैलाब कैसे उमड़ा हुआ है, तो ये ईवीएम हैक होगा या फिर मतलब सब कुछ ही उन्होंने बंद कर दिया? पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे से, अपनी जनता का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जो भी डबल इंजन की जो सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। मतलब आज जब सब औरतों को अलग पति दीदी बना दिया है मोदी सरकार ने, हमें यह है कि हर जगह सुरक्षा मिल रही है मोदी की, और इसीलिए मोदी ही को बनाएंगे। धूप में आप आई हैं, क्यों, क्या कारण है, इतना क्रेज क्यों है मोदी जी के लिए? मोदी जी हमारे कर्मठ और अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और हमें अभी भी उनका, आगे भी हमें वही चाहिए।